नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम टेक्निकल चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जियो सिनेमा से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही खास ट्रिक। दोस्तों, आप जब भी जियो सिनेमा पे कोई भी कंटेंट ऑनलाइन वॉच करते, फॉर एग्जांपल जैसे वेब सीरीज़ हो गया, कोई एपिसोड हो गया, कोई मूवी हो गया, कोई लाइव मैच हो गया, तो आपको पता हो कि जैसे ही आप कोई भी कंटेंट आप ऑनलाइन वॉच करते हैं तो आपको बीच में ऐड देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने अभी जियो सिनेमा पर कोई कंटेंट को प्ले किया तो आपको बीच में ऐड देखने को मिल रहा है। तो इसी ऐड को कैसे हम जियो सिनेमा पर ब्लॉक कर सकते हैं, आज हम उस ट्रिक की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेट DNS सर्च करना है। ठीक, प्राइवेट DNS में सर्च करने के बाद आपको जाना है प्राइवेट DNS में, और यहाँ पे जाना है आपको डेजिग्नेटेड प्राइवेट DNS। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंटर करना है dns.edgar.com। इसको आपको इसमें लिख के आपको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। उस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आप जियो सिनेमा पे किसी भी कंटेंट को आप प्ले कर सकते हैं, और उस कंटेंट में आप कोई भी ऐड नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये MTV रोटीज को प्ले करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप कितना भी इसे भगा दीजिए, कितना भी इसको आपको बीच में ऐड देखने को नहीं मिलेगा। आप ऐड फ्री कंटेंट का आप लाभ उठा सकते हैं यहाँ पे इस सेटिंग की मदद से। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप जियो सिनेमा पे कोई भी कंटेंट को आप ऐड फ्री में देख सकते हैं, यानी कि आप कोई भी कंटेंट देखेंगे तो आपको उसमें ऐड देखने को नहीं मिलेगा।